टॉप फाइव बेस्ट स्मार्टफोन अंडर 15,000 इन सितंबर 2020। बता देता हूँ, बताने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप गेमिंग फोन सर्च आउट कर रहे हो तो आई बटन में लिंक है, उसको चेकआउट कर लेना। इस मंथ के दी बेस्ट गेमिंग फोन आपको मिल जाते हैं 15,000 के बीच, ठीक है। अगर 4K कैमरा आप देख रहे हो, 4K सॉरी स्मार्टफोन आप देख रहे हो, तो उसकी भी वीडियो वगैरह की हुई है। 15,000 में आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जो कि दी बेस्ट ऑप्शन है। वीडियो चेकआउट कर लेना, छोड़ के मत जाना, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं अपना इंट्रो कर दूं। तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रॉबिन औजला, वेलकम टू द औजला दी अनबॉक्सिंग। आपका बहुत बहुत स्वागत है यार मेरे चैनल पे। अगर चैनल पे नया आए हो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर लो फॉलो। लिंक वगैरह सब कुछ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है भाई, चेकआउट कर लेना। वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इतना बता दूं कि रिक्वायरमेंट रखी हुई है, लाइक 6.5 इंच फुल HD स्क्रीन आपको मिलनी चाहिए, 4000 mAh की बैटरी मिनिमम होनी चाहिए, क्वाड कैमरा आपको मिलना चाहिए 15,000 के बजट में, एंड 6GB रैम जो है वो मिनिमम होनी चाहिए, स्टोरेज भी आपको अच्छी मिलनी चाहिए, सीधी सी बात है, ठीक है। तो रिक्वायरमेंट की बात होगी, अब बात करते हैं फ़ोन की, नंबर 5 की बात करते हैं। नंबर 5 पर आता है रेडमी की ओर से फ़ोन, दी बेस्ट फ़ोन है, अमेजन चॉइस टैग मिल चुका है, प्लस इसका डिज़ाइन हो गया, डिस्प्ले हो गया, सब कुछ दी बेस्ट है। अगर आप इसकी ओर जाना चाहते हो जा सकते हो, लेकिन वीडियो पूरी देखना। नंबर 1 नंबर 2 वाले फ़ोन और भी आपको ज़्यादा पसंद आएंगे, मुझे पता है आप नंबर 1 एंड नंबर 2 की ओर ही जाने वाले हो, ठीक है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की। सबसे पहले बात करें डिस्प्ले की, बात करूं तो 6.53 इंच आपको फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूं तो MediaTek Helio G85 आपको इसमें देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा सही, गेमिंग वगैरह भी आपकी बहुत ज़्यादा सही होगी, ठीक है। स्टोरेज की बात करूं तो 6GB रैम देखने को मिलती है, प्लस 128GB आपको इसकी स्टोरेज मिल जाती है। इस प्राइस रेंज में यही एक फ़ोन है जिसकी जो स्टोरेज है वो बहुत ज़्यादा सही है, 128GB आपको स्टोरेज मिलती, दी बेस्ट ऑप्शन आपको इसमें देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करो तो 5020 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 22.5W ये फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है। कैमरे की बात करूँ तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP एंड प्लस 2MP। सेल्फी की बात कर लेते हैं तो 30MP आपको फ्रंट सेल्फीज में देखने को मिल जाती हैं, बहुत ज़्यादा सही है। लाइक इस प्राइस रेंज में स्टोरेज सबसे ज़्यादा इसकी ज़्यादा है, ठीक है, जितने भी फ़ोन बताऊँगा उनकी 64 है, ये 128 है, दी बेस्ट ऑप्शन मिल जाती है। अगर आप स्टोरेज वगैरह पिक एंड वीडियोस वगैरह ज़्यादा रखते हो तो आपके लिए दी बेस्ट है, आप इसकी ओर जा सकते हो, बहुत ज़्यादा सही फ़ोन है। लेकिन आगे वाले फ़ोन भी सुन लेना, वीडियो को स्किप आउट मत करना, ठीक है। नंबर 4 की बात कर ले, तो 4 पर आता है पोको की ओर से फ़ोन, पोको M2 Pro, दी बेस्ट फ़ोन है। इसका डिज़ाइन हो गया, इसका डिस्प्ले हो गया, एंड बैक साइड हो गया, वो भी बहुत ज़्यादा सही है, प्लस इसके कलर भी बहुत ज़्यादा सही मिलते हैं, पोको नाम बनाएंगी यार अपना, ठीक है। बात कर लेते हैं डिस्प्ले की, डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.67 इंच फुल HD स्क्रीन आपको देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ स्नैपड्रैगन 720G आपको इसमें देखने को मिलता है, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ तो 5000 mAh की बैटरी मिल जाती है, बैटरी 5000 mAh बहुत है यार, प्लस 33W का आपको फास्ट चार्जर ये सपोर्ट कर देता है। कैमरे की बात करूँ 48MP प्लस 8MP प्लस 5MP प्लस 2MP आपको क्वाड कैमरा सेटअप इसमें देखने को मिल जाता है। सेल्फी की बात करूं तो 16MP आपको सेल्फी इसमें देखने को मिल जाती है, सब कुछ ठीक है। इसकी बैटरी, प्रोसेसर हो गया, स्टोरेज हो गया, डिस्प्ले हो गया, डिज़ाइन हो गया, कलर्स हो गए, पोको दी बेस्ट है। अगर आप पोको की ओर जाना चाहते हो आप जा सकते हो, आपके लिए ये भी दी बेस्ट है। 15,000 में बहुत फ़ोन मिल जाते हैं, लेकिन जितने फ़ोन बताऊंगा वो दी बेस्ट है आपके लिए, ठीक है। नंबर 3 की बात कर लेते हैं, नंबर 3 पर आता है रियलमी की ओर से फ़ोन, रियलमी पोको रेडमी ओप्पो जितने भी फ़ोन आ गए, कम प्राइस में अच्छे फीचर्स देता है यार, बहुत ज़्यादा सही है। रियलमी 6 दी बेस्ट है, अगर आप इसकी ओर जाना चाहते हो जा सकते हो, डिज़ाइन वगैरह स्टाइलिश डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाता है, ये भी ऑप्शन आपके लिए ठीक है। 15,000 में आपको ऑप्शन वगैरह बहुत ज़्यादा मिल जाती हैं, सोच के लेना जो भी फीचर्स वाइज आपको सही लगा, डिज़ाइन वाइज सही लगा, कंपनी ब्रांड देख लेना, जो भी आपको सही लगता है आप ले सकते हो, सभी दी बेस्ट हैं, ठीक है। सभी के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, आप चेकआउट कर लेना, ठीक है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, डिस्प्ले की बात करूँ तो 6.5 इंच फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ तो MediaTek Helio G90T आपको इसमें देखने को मिलता है, दी बेस्ट ऑप्शन है। गेमिंग वगैरह करना चाहते हो नॉर्मली कर सकते हो, पबजी तो चलो बैन होगी लेकिन कॉल ऑफ ड्यूटी बहुत स्मूथली चलेगी, ठीक है। स्टोरेज की बात करूँ 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ 4300 mAh की बैटरी मिल जाती है, प्लस 20W आपको चार्जिंग सपोर्ट इसमें देखने को मिल जाती है। कैमरे की बात करूँ तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, 48MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP।
बात करूँ सेल्फी की, इसमें भी आपको 16 मेगा की सेल्फी मिल जाती है जो कि दी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, मैंने फ़ोन के बारे में बता दिया, डिज़ाइन हो गया, डिस्प्ले हो गया, सब कुछ आपको बता दिया, मेन फीचर्स बता दिए। जो और फीचर्स रह गए आप खुद भी चेकआउट कर लेना, जो फ़ोन आपको अच्छा लगता है आप उसके और जा सकते हो। आपके लिए सभी दी बेस्ट है, सभी लेने जाते हो सभी ले सकते हो, जैसे भी आपका दिल करता आप कर सकते हो यार। नंबर टू की बात कर, नंबर टू पर आता है Realme 6i, दी बेस्ट फ़ोन आपको देखने को मिल जाता है। ये भी फ़ोन बहुत ज़्यादा सही है, डिज़ाइन डिस्प्ले जो भी हो गया वो दी बेस्ट है यार। अगर आप इसके और जाना चाहते हो आप इसके और भी जा सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन मिल जाता है। Realme है यार, नाम बना गया Realme भी, सीधी सी बात है। डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, डिस्प्ले की बात करो तो 6.5 अल्ट्रा स्मूथ डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करो तो Helio G90T आपको इसमें देखने को मिलता है, दी बेस्ट ऑप्शन मिल जाती है। ठीक है, स्टोरेज की बात करूँ 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करूँ 4300mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है, थोड़ी सी बैटरी कम है, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी। 30W आपको फ्लैश चार्ज मिल जाता है। ठीक है, कैमरे की बात करो तो क्वाड कैमरा सेटअप आपको देखने को मिल जाता है, 48 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस पोर्ट्रेट लेंस प्लस 2 मेगापिक्सल। फ्रंट की बात करूँ तो आपको 16 मेगा फ्रंट मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सही है। अगर जाना चाहते हो इसके और जा सकते हो, लेकिन नंबर वन की बात सुन लेना, नंबर वन का फ़ोन दी बेस्ट है। ठीक है, 15,000 के बजट में आप जाना चाहते हो नंबर वन पर जा सकते हो, बहुत ज़्यादा सही है। नंबर वन की बात कर ले तो नंबर वन की बात करते हैं, मुझे पता है जितने भी नए यूज़र हैं जो भी फ़ोन परचेज़ करना चाहते हैं इसकी और ही जाने वाले हैं। 15,000 के बजट में आपको बहुत ज़्यादा सही जो फ़ोन मिल जाता है, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, डिज़ाइन भी अच्छा है, नया फ़ोन लॉन्च हुआ है, रियलमी 7 की बात कर रहा हूँ, दी बेस्ट फ़ोन है। अगर आप इसकी और जाना चाहते हो आप जा सकते हो, आपके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, जितने भी फ़ोन बताएं वो भी ठीक है, अगर आप रेडमी पोको की और जाना चाहते हो आप जा सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एंड सैमसंग के फ़ोन मैंने इसीलिए नहीं रखे थे इस बजट में, सॉरी, बिकॉज वो 4GB रैम में आते हैं तो हमारी रिक्वायरमेंट थी 6GB रैम की, सो दैट्स वाई सैमसंग के फ़ोन नहीं रखे। कई बंदे होंगे जो कमेंट करेंगे कि भाई तूने सैमसंग का फ़ोन नहीं रखा, M31 नहीं रखा, M21 नहीं रखा, तो दैट्स वाई कि मैं वो नहीं रखा, बिकॉज 4GB रैम में आते हैं यार, हम आज बात कर रहे हैं 6GB रैम की। ठीक है, सो दैट्स वाई वो फ़ोन नहीं रखे इस बजट में। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इसके स्पेसिफिकेशन की, लाइक रियलमी 7 के स्पेसिफिकेशन की। ठीक है, डिस्प्ले की सबसे पहले बात कर लेते हैं, डिस्प्ले की बात करो तो 6.5 इंच आपको फुल HD स्क्रीन देखने को मिल जाती है। प्रोसेसर की बात करूँ Helio G95 आपको देखने को मिल जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सही है, गेमिंग एक्सपीरियंस आपका बहुत ज़्यादा स्मूथ होगा, बहुत ज़्यादा सही होगा, कुछ भी यूज़ करना चाहते हो आप कर सकते हो। स्टोरेज की बात करूँ 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज आपको देखने को मिल जाती है। बात आती है बैटरी की, 5000mAh की बैटरी मिल जाती है, बैटरी भी इसकी बहुत ज़्यादा सही है, प्लस 30W फास्ट चार्जिंग आपको ये सपोर्ट करती है क्या अपने फ़ोन को। ठीक है, कैमरे की बात करूँ 64MP प्लस 8MP प्लस 2MP प्लस 2MP आपको क्वाड कैमरा सेटअप इसमें देखने को मिल जाता है, बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं सेल्फी की, सेल्फी की बात करूँ तो यार 16MP सेल्फी इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है, जितने भी फ़ोन हैं फ्रंट में उसके 16MP ही मिलती है, दी बेस्ट है। ठीक है, प्लस 4K वीडियो रिकॉर्ड करता है ये फ़ोन, बहुत ज़्यादा सही है। 15,000 के रेंज में अगर आप स्टाइलिश फ़ोन देखना चाहते हो तो आप इसकी और जा सकते हो, नया लॉन्च हुआ है, दुनिया पसंद कर रही है इसको। ठीक है, बहुत ज़्यादा सही है। तो यार मैंने आपको 5 फ़ोन बता दिए हैं, सभी दी बेस्ट है, जिसकी और जाना चाहते हो आप जा सकते हो, अपना प्राइस देख लेना, पॉकेट देख लेना, फीचर्स देख लेना, डिज़ाइन देख लेना, कलर्स देख लेना, जो भी आपको सही लगता है, फुल लोडेड लगता है, आप उसके और जा सकते हो, सभी दी बेस्ट है 15,000 के बजट में। तो यार मेरी वीडियो अभी यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट, शेयर, दोस्तों को भेज देना, दोस्तों के दोस्तों को भी भेज देना, उनको भी कह देना कि चैनल को कर दे सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक, एंड इंस्टाग्राम पे कर ले फॉलो, लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है यार, चेकआउट कर लिया करो इंस्टाग्राम अकाउंट को यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई वीडियो के साथ, थैंक यू।